गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हम रात को रुके फौजी साहब के घर पे यहीं, और रात का पड़ाव हमारे यहीं था। अब सुबह सवेरा हो गया, 7:30 हो गई है। अब हम निकलते हैं सीधे पुखराज के घर की ओर, क्योंकि पुखराज के घर से कॉल आ गया, वहाँ शादी का प्रोग्राम है छोटा मोटा, तो अब जाना ही पड़ेगा। बने रहिए व्लॉग के साथ, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कॉमेंट करते रहिए। और नाना धोना कर रहा है क्योंकि दिनेश की सीटी अवध बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आज अपन ब्रेकफास्ट में बढ़िया है चावल, और मैं भी बनाया फौजी साहब। एक बात हाँ होनी वाला कि मैं भी खुश और बीवी भी खुश। ये फौजी साहब हगड़ो काम के मैं खुद कर लिया करूं, और अटे ने पोगरा जी थोड़ा फोन में लगुड़ा है, तो आपा कर रहा नाश्तो, और उसके बाद हमारी रवानगी आगे की ओर। तो लाडिया, गाड़ी में सामान कंप्लीट बांध चुका है, और पुखरा हाजिर मदन भाई फौज साहब की गाड़ी में आगे आ गया है। फौज साहब ने जेट मकाम बताई हूँ मैं रात धान मदन भाई व्लॉग में, तो बट 2 मिनट ड्रॉप करा और आगे जाना सीधा। तो लेके चलते हैं हम मकान के अंदर फौज साहब के पास, बताते हैं कैसा नक्शा है, क्या मामला है और क्या जुगाड़ बनाया है। तो फौज साहब बताइए क्या क्या मामला है। ये अच्छा, ये थोड़ा जो है 30x25 में बना हुआ है। अच्छा, ये किचन है अपना, ये 10x10 का किचन है। बहुत अच्छा बनाया, बहुत किचन रूम या बेडरूम बोल सकते हैं, 15x10 का बेडरूम है। ये भी बहुत बड़ा है, ये भी रूम है, और ये 12x10 का हो गया, बहुत बड़ा है, जो आएगी मेहमानों के लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से क्या है ये चौक कितना बड़ा बन गया है, तो भी यहाँ पर लंबे से कटन डाल के अगर सेपरेट कर देंगे तो ये रूम भी बन जाएगा। हाँ, ये चौक है जो बड़ा। तो वो साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये टिन शेड लगाने का रीजन क्या है? टिन शेड का ये है कि ये वैसे एक बहुत ही चीप और टेंपरेरी प्रोजेक्ट था हमारा, शॉर्ट टर्म में कम पैसे बन जाए। अच्छा अच्छा, वैसा हुआ भी है, और इसका रीजन ये है कि अगर मान लो इसको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा तो ये मेटल पूरा रीयूज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने सिंगल ईंट की ट्राई करके इसको किया, तो इसको डिमोलिश करने में ज्यादा कोई खर्चा होगा नहीं। और इसका जो नुकसान है, इससे गर्म होने उसके लिए हमने एक फ्लोर ढूंढ लिया है, इसकी हाइट रखी है 13 फीट। अच्छा, 9 फीट के ऊपर पूरी में फॉल्स लगा देंगे पीओपी की। अच्छा, रूम ठंडा भी रहेगा एकदम। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अंदर से दिखने से लुक भी उसका बात। बिल्कुल, और पता ही नहीं चलेगा आशीष या कुछ है ना, गरीबी अंदर से। वाह वाह भाई वाह, देखा भाई लोगों, आपने खुद का टैलेंट, और बाहर की तरफ ये लेट बात हो रहा है वो अटैच है, और अंदर है वो सिंगल है। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात ये डिजाइन किसका, मतलब ये जो होता है ना नक्शा बोलते हैं, तो ये डिजाइन आने तक हम खुद ही लोग हैं। बिल्कुल, डिजाइन किया है, और आइडिया यह आया कि हम जैसे उत्तराखंड में कश्मीर में रहे हैं, तो वहाँ सारे इसमें इस तरह के टिन शेड के ही घर बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आइडिया आया कि ऐसा हम बना सकते हैं, तो ऐसा बनाया हमने, 2 यूनिट बनाई है। हाँ, एक इधर की तरफ है, वो भाई साहब के साथ में रहने वाले मकान बनेगा, तो जब कभी अमीर होंगे तो यह मकान बनेगा, और जगह भी खूब खुली रहने के लिए। ये पत्रों गरीब वाले में तो बात में दम नहीं है, फिर भी ये टैलेंट का काम है, बस सबसे बड़ी बात है। देखो दोस्तों, कितनी प्यारी छान बनाई हुई है, कहीं लोकेशन है, गाड़ियाँ गुजर रही है सड़कों, और छान है जो कि बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। तो नज़दीक जाला आप भी झोंपड़ी रहे, और झोंपड़ी रो नज़ारो बतावा, कहीं कहीं विशेषता है, महीने भाई साहब बैठा है। एक तो है लाडिया कि आज चीज़ है ना, ठंडी बहुत ज़्यादा रहे गर्मी महीने, तो छान रो पूरा दृश्य बताऊँ मैं, तान कोशिश करूँ नज़दीक चला, और ये छान के एन नज़दीक ही करे सर जटे कंकरी वगैरह बढ़िया करे। तो भाई लोग ले जा रहा है कंकरी, ट्रक ड्राइवर, और लारे काम चल रही है कंस्ट्रक्शन रो बड़ो, और आप हमारी बाइक ने खड़ी कर दिया छावर महीने, और पुखरा जी बातचीत करिया भाई साहब हूँ महीने आनंद ले रहा है छान की छाँव में। तो पुख जी पास में चला क्या कहीं लाग रही है मामलू महीनू। तो पुखरा जी, तो आप भाई साहब ने पूछो ना, छान बनाने में कितनी मेहनत लगे, कहीं टाइमिंग लगे? तो कोनी बनाई क्योंकि इस टाइम है ना भिलोड़ साइड गए, और इंच का नौकरी कर रहा है। अच्छा, नौकरी कर रहा है ना जी। तो आप भाई साहब बनाई कौन, 18 ही आदमी बनाई नोकल नोकल
देखो छान को नजारो महीनू बहुत प्यारो बनाई उड़ा है, सुहानी है और ठंडी भी बहुत है। क्या ऐसे करे इसके अंदर है? जरूर इतनी गर्मी को नहीं रही है भाईसा हो चुके यार, ये जगह भी अपने तो गर्मी अनसेंट पड़े बिल्कुल अपने हो चुके यार भाई साहब बेटा, तो ताकि और मैं सुन नहीं कि यार गर्मी में लान कित पटक दिया है। नहीं नहीं दो चार दिन नहीं तो फिर तो बैग लेन पास जान, अब एकदम मौज है हवा है ठंडी जिसका नाम पहाड़ होंगे। तो दोस्तों अब चलता चलता लमसम 20 किलोमीटर चलिया और दिन की 12:30 बजी है, तो 2 मिनट रुकने विचार कर लियो के सड़क के किनारे ओम बनारो स्थान दिखियो है चौटन रे महीने, तो अटे जितना भी तभी यात्री वगैरह वे गाड़ी घोड़ा वाला निकलता करता वे तो ध्यान ध्यान है विशेष करो ओम बन्ना रुकिया करे और दर्शन कर लिया करे आपा भी करा और नदी की जिनके ये भी है जबकि चित्र नाम वो नदी है, फिर महीने पानी पूर्व भागा आया करे तो स्क्रिप्ट दिया करे तो आप बाद में नदी में चाला बताओ करें कहीं मामलो है कितों कहीं पानी है और अनुभव से मिलो बस राम 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 सा और क्या तबियत पानी बेड़ी बात बस बढ़िया चले बात है और ठीक है कहीं चले काम धंधो दुकान चलेगा दुकान चले ठीक हुई है मामलो कितों कहीं जुगाड़ बैठ गए सुबह शाम में दाल बाटी हुई है दाल बाटी हुई जेड़े ठीक है और सब घर परिवार मजा में और वर्षा आदर कड़ी का पाने अब ये तो ठीक है टाइम माते को नहीं और नाडी में पानी आनी चढ़ो कहीं ऐसको को नहीं फर्को पानी है ना, तो बादशाह मिलिया बादशाह जानकारी दी अपन आप शुभ नाम बादशाह गोविंद सिंह जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़े वाली मजे की बात इसमें है कि ये नाडी के अंदर जो पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो कुआ है और वो जो खेड़ी वगैरह नजर आ रही है बड़ी बड़ी वहाँ से पुखराज के पिताजी छलांग लगाते थे और वहाँ से इधर आ जाते थे, अभी की बात नहीं पुरानी है क्योंकि अब तो वो काम में बिजी हो गए और एज में भी काफी हो गए पानी नहीं है और तो। पानी भी नहीं है, जब ये नाडी पूरी भरी रहती है ना तो उस टाइम यहाँ तैरने का मजा ही अलग नजर आता है। बहुत यहाँ पर क्या है कि परकुआ पांचम होते है मतलब अपने मठ वगैरह एक मंदिर वगैरह उधर वहाँ पे क्या है पांच फेरी लगती है। अच्छा ठीक है उस टाइम बरसात के मौसम में वो लगती है लेकिन मुझे लगता है ये बारिश हुई नहीं अब की बार के बारिश का पानी नहीं है नहीं, ये पिछले साल वाले क्योंकि सबसे बड़ी कमी है यहाँ के लोगों को बुरा लगेगा सही मतलब यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। अब देखो मतलब जैसे दाने सीन में थोड़ा पता भी है ना कुलरिया वगैरह बढ़िया है हो सके कोई टोना टोटके का वेला नहीं रसम भी होगी चाहे लेकिन पोलिथीन वगैरह हर चीज है ना वो गंदगी बहुत ज्यादा है। जीवड़ा है गोना बकरिया गयो या जंगली है हिरण वगैरह सब खरगोश या छोटा मोटा और हिरणिया लौका वगैरह है पानी पिए लेकिन ये तो गंदो पानी है। खैर अनुकुण कह सके मिनक है भाई मिनखा अपनो रहो को नहीं है जिन्हें लखन करे बाकी भला होता तो होता हो जीवड़ों के बारे में भी प्रकृति के बारे में भी ना तो पशु पक्षी और पानी पिए करे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई पुगराज भाई और बापू वाली सब बड़ी बात लागी के बापू भी हट तीर्था करता है या या वाह भाई वाह। अरे इतनी भूडी का देवड़ी रे है छठ तो खेलना बटी गणा खेलना क्यों छठे है अरे हमारा हमजा रुका है फोन आए को इतु मत ले लौट दूं और भैया तेरे की गड़बड़ हो गया तो सर बाप ने जवाब कहीं दियो मैं भाई रीला कोई वायरल को नहीं डब्बा खेलो पकड़े जिकी लाख रील घी तो है रीलो पकड़ते खेल रहा खेल लू पकड़ो रीला साढ़े वाह रीला बात करो जगत की कौन मैं तो क्यों क्यों तू दौड़ लियो तू सर मैं तो सपोर्ट में हूं कभी टेके छोड़ देते हैं तो फिलहाल आप हां चिफल नाडी रे मायने और नजर देख रहे हो बहुत ही सुंदर यहाँ का बहुत ही सुंदर नजर था इस नाडी का और एक दो रील भी शूट कर ली हमने है ना हाँ, जो हमारे इंस्टाग्राम पर बनी है देखी हाई फाई है ओ अलग ही इलाको थोड़ा बचोड़े अलग ही थी बच्चों दी तुकन करी लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि अजी तक यही माते है ना कि ज्यादा गंदी नजर कौन पड़ी है यही जगह माते खैर बहुत ही सुंदर दृश्य हो अच्छे है और इनका पहनावा बहुत ही शानदार लगा हमें ये बाड़मेर का और आगे आगे और करते जाएंगे कैसे कैसे लोग मिलेंगे। हाल तो सब बड़ी बात है लड़िया के दो दिन या निकलिया दो दिन हम सेवा पानी देखने कोई कमी कौन मजो आयो आप होनी चाहिए बस बस। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चौहटन मार्केट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पुखराज भाई रुके हैं सैलून की दुकान कटिंग वगैरह करवाने के लिए और जो पीछे की पहाड़ी दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर दृश्य है, ऊपर भगवान का मंदिर है वो पता नहीं कौन सा है, जब भी हमें टाइम मिलेगी तो आएंगे दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। और मार्केट का दृश्य है वो शानदार नज़र आ रहा है क्योंकि एक तरफ पहाड़ी का दृश्य है और एक तरफ मार्केट का नज़ारा और पुखराज भाई सैलून कटिंग करवा रहा है फिर हम चलेंगे घर की ओर बढ़ी रहे लोगों के साथ बहुत जल्द घर पहुँचने वाले हैं भाई के। तो लड़िया फुकान कर दी हुए टका टक चीकड़ों चट एकदम मोली
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पुखराज भाई के घर पे और जी कर रही है स्वागत मदन भाई रो और आप मारो। तो मारवाड़ में सुबह पहला घर आया मेहमान रो स्वागत दिया करे, तिलक कुंकुम लगा और मोड़ी वोड़ी वगैरह बांध दिया करे, वो है मारवाड़ रो रीति रिवाज। तो दोस्तों पुखराज भाई के घर पहुंच गए हाँ जी आवादर कर दियो स्वागत वगैरह उगो है और अब आप रोटी बाटी की तैयारी चल रही है। पुखराज भाई चूरमू चूरियो है गुड़ उड़ मामलो भरी है मार हाथ रो खाणो खा रही हैं आज पुखराज मम्मी रो घना दिन हूँ और कहला मदन भाई का ही मामलो लाग रही है। अरे मामलो तो पूछ मत गुड़ रोटी मिली है गुड़ रोटी आपन ठंडा मांगे तो पुखराज भाई गुड़ रोटी गलिया करे घर आवे नवा मेहमान सगा संबंधी शुरुआत में गुड़ रोटी खार जाता रहा जना हम जे बटे के रिश्तो पक्को है लेकिन आप रिश्तो भैयाड़ो पक्को है बिल्कुल परिवार वालो। तो देखो दोस्तों पुखराज के माता जाम सादिर माई ने भाड़ून पकड़ा दिया अपन दीनान क्यों दीनान एक्सपीरियंस घणो है पूरो हाँ क्यों कुछ ने कॉन्टेक्ट कर लीजिए गणी राग भाई गणी राग। तो दोस्तों नाई धोई टकाटक पूट रहा गणी या ब्याह में जाऊन वास्ते लेकिन ब्याह में जाई नहीं सक्या आंधी रूड़ो मैं की नहीं दिखियो धूम धाम एड़ो करियो एक मिनट में सल्टा रोको। तो भाई भाई दोनों लाइट कट गई है पोखरा एक साइड में बैठा गडाल में वो हेला करे हाँ वो हेला करे के बारह बार अब बरसात आंधी सब डब गई है तो मारा ला और ब्याह वाला करा लेने प्लान करा अगर मौसम साफ है तो चीज हुई आंधी का रीति रिवाज है। तो दोस्तों भोजन महीने लापसी और सब्जी महीने देखो था छीना बहुत ही प्यारा।